जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। समझेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, कौन किसको भेज सकता है, क्यों भेजा जाता है और इसके क्या फायदे हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरा कोई भी वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीगल नोटिस होता क्या है? तो लीगल नोटिस सिंपली आप बोल सकते हैं एक सूचना होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रस्ट को या एनजीओ किसी को भेज सकता है, वो बताने के लिए कि आपके इस कार्य के द्वारा मुझे ये हानि पहुंचा है, आप मुझे ये कंपनसेशन दे दीजिए। वो अमाउंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, नहीं तो मैं आपको पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब किस किस मामला में लीगल नोटिस भेजा सकता है? जनरली सिविल मामला में लीगल नोटिस भेजा जाता है। जैसे कि यदि किसी जमीन का विवाद हो, उसमें आप बैंक से लोन लिए हो और अपने ईएमआई नहीं भर रहे, किस्त नहीं भर रहे, तो बैंक वाला भी आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। या फिर आपने किसी से पैसा लिया है और आप पैसा नहीं रिटर्न कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। या कोई सामान आपने लिया है जैसे बिजनेस में और वो आप सामान उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो या उसके मतलब पैसा नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए आपको लीगल नोटिस आ सकता है। या शादी से जो जुड़े मामला होते हैं उसमें भी लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। या एनआई एक्ट में हम देखते हैं जो चेक बाउंस का केस होता है, पहले लीगल नोटिस ही भेजा जाता है, पहले शुरुआत लीगल नोटिस से किया जाता है, उसमें भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब बात आता है लीगल नोटिस कौन किसको भेज सकता है? तो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को भेज सकता है जिससे उसको कोई कंपनसेशन का चाहिए हो, उससे उसके किसी कार्य से उसको डैमेज हुआ हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकता है, कोई कंपनी को भेज सकता है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का हो, या एनजीओ या ट्रस्ट, किसी को भी भेज सकता है लीगल नोटिस। अब बात है लीगल नोटिस होता क्या है। जनरली एक लीगल नोटिस एक एडवोकेट के थ्रू ही कोई पार्टी भिजवाता है किसी को। एडवोकेट उसे मेंशन करता है कि ये लीगल नोटिस हम अपने पार्टी के बिहाफ में भेज रहे हैं, जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो हमारे पार्टी के ने जो हमें बताया मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। उसमें एडवोकेट भी साइन कर लेता है, पार्टी भी साइन करता है। जनरली स्पीड पोस्ट के थ्रू लीगल नोटिस भेजा जाता है। उसमें पूरा दिखाया जाता है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें क्या क्या हमें डैमेज हुआ है, कितना का हमें कंपनसेशन चाहिए। यदि आप कंपनसेशन नहीं करते हो तो एक टाइम पीरियड दिया रहता है, उस टाइम पीरियड में के बाद हम आप पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे, इसका जिम्मेवार आप होंगे। यदि पहला लीगल नोटिस गया और आप उसका जवाब नहीं मिला तो पार्टी दूसरा लीगल नोटिस भी भेज सकता है। दूसरा लीगल नोटिस भेजेगा, उसके बाद भी जवाब नहीं आया तो वो न्यायालय के शरण में जा सकता है, उस पर केस कर सकता है। लीगल नोटिस जनरली इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो मैटर जो डिस्प्यूट हो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पार्टी को पता चल जाए कि क्या डिस्प्यूट है और क्या कंपनसेशन चाहिए, वो दोनों बैठ के आपस में बात कर ले और कोर्ट ना जाना पड़े, कम खर्चे में ही जो कोर्ट का जो खर्चा होता है वो बच जाए और डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है, लीगल नोटिस भेजने के बाद जो दूसरा पार्टी होता है उसको डिनाई कर देता है या फिर उसका जवाब नहीं देता, फर्स्ट पार्टी को न्यायालय के शरण में जाना ही पड़ता है। लगभग मैंने लीगल नोटिस के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दे दिया। यदि कुछ बच गया और कुछ आपको और जाना हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे लीगल वीडियो के लिए। जय हिंद फ्रेंड।